Hi friends, as we discussed earlier कि CPU जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। अब मेमोरी यूनिट को देखते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। मेमोरी मतलब याददाश्त, कुछ याद रखना। कंप्यूटर के अंदर ये बहुत बड़ा फीचर्स है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम काम करते हैं वो स्टोर हो जाता है, हमारा बाद के लिए स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में देख सकते हैं। ये फीचर्स हमारे कैलकुलेटर में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेमोरी के बारे में चर्चा करते हैं। मेमोरी यूनिट में जैसे कंप्यूटर पर हम कुछ काम करते हैं तो डाटा को प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी का होना जरूरी है। विदाउट मेमोरी वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, डाटा को होल्ड करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसका स्टोर करता है। ये सब मेमोरी का काम है, मेमोरी यूनिट का। अब मेमोरी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं, कुछ लोग मेमोरी बोलते हैं, आप दोनों समझें, ये अलग अलग प्रोनंसिएशन है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर के अंदर में जो डेटा स्टोर किए जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग और फॉर क्रिएटिंग रिजल्ट, वो एक मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से स्टोर किए जाते हैं और जिसका नाम है बिट्स, बाइनरी डिजिट्स। तो कंप्यूटर के अंदर में जो डाटा स्टोर होते हैं वो बाइट्स में होता है। इट मीन्स 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है। इसके लिए अलग से एक स्पेशल क्लास होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी आप समझे, जैसे कि किसी मेजरमेंट यूनिट को आप ले लें, जैसे कि लीटर, दूध को नापने के लिए लीटर, कपड़े को नापने के लिए मीटर, हाइट को नापने के लिए फीट का जरूरत पड़ता है। उसी ढंग से डेटा को नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं बिट्स। मतलब बिट्स एंड बाइट्स में डेटा का मेजरमेंट होता है। तो बाइनरी डिजिट्स जो होता है उससे मिलके बाइट्स बनता है और उसी बाइट्स के में डेटा हमारा स्टोर होता है, जिसको मेजरमेंट यूनिट कहा जाता है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं बिट्स, उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। इसको ठीक से समझें, बिट्स BI आगे से लिया गया है जिससे बाइनरी होता है, और डिजिट्स का जो TS है, लास्ट वाला डिजिट्स TS, वो पीछे से दो कैरेक्टर लिया गया है। तो आगे का दो कैरेक्टर और पीछे का दो कैरेक्टर दोनों मिला के बिट्स बनाया गया है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम दिया गया है। जैसे ग्राम मिलके 100 ग्राम होता है, फिर केजी होता है, केजी मिला के क्विंटल होता है, उसी ढंग से बिट्स जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और बिट्स 8 बिट्स मिला देंगे तो 1 बाइट बनेगा, और फिर फर्दर 1024 बाइट्स मिलाएंगे तो 1 KB, 1024 KB से 1 MB, 1024 MB से 1 GB, 1024 GB से 1 TB, टेराबाइट्स। तो इस ढंग से डेटा का मेजरमेंट होता है। आगे देखिए, मेमोरी यूनिट में जो मेमोरी है उस कंप्यूटर में, वो दो प्रकार का मेमोरी माना गया है, एक प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। मेन मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं रैम एंड रोम। नॉर्मली CPU से डायरेक्टली जो एसोसिएटेड होता है वो रैम एंड रोम ही होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वो डाटा स्टोर किए जाते हैं जिसको हम परमानेंटली रखना चाहते हैं। इट मीन्स अगर हम परमानेंटली नहीं भी रखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए कुछ मेमोरी एलोकेशन जरूरी है, मेमोरी का जरूरत है, जहाँ पे डाटा हमारा होल्ड करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट तैयार करेगा, इसके लिए हमारा मेन मेमोरी का होना जरूरी है। मेन मेमोरी में अंदर आता है रैम एंड रोम। अब पढ़ते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको आप कभी स्मॉल में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये राम पढ़ा जा सकता है, इसलिए हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इट मीन्स ये सारा डाटा लॉस्ट कर जाता है जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, लेकिन जब तक आप कंप्यूटर को ऑन रखते हैं वो जो डेस्कटॉप पे दिखाई देता है वो रैम पे ही रहता है। मतलब कुछ भी हम टाइप करते हैं, कुछ भी डाटा इनपुट करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाता है, रैम पे जाता है।
और रैम पे कैलकुलेशन के बाद जब हम उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो रैम से कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो रैम तब तक काम करता है जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है। जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे ये डाटा हमारा लॉस कर जाएगा। जैसे कि कैलकुलेटर में जब तक हम ऑन करके रखते हैं वो काम करता है, जैसे कैलकुलेटर ऑफ कर देंगे फिनिश, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो उसमें होता नहीं है, इसलिए दोबारा हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, रैम को फर्दर डिवाइड किया गया है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम एंड FRAM, ऐसे करके रैम को डिवाइड किया गया है। रैम अलग अलग साइज में आता है, जैसे 2GB, 4GB, 8GB, ऐसे करके रैम आते हैं। ये यहाँ पे दो रैम का आपका इमेज दिखाया गया है, अलग अलग टाइप्स के रैम आते हैं रिस्पेक्टिवली। लैपटॉप के अंदर इससे छोटे रैम होते हैं, ठीक है, इसका साइज वाइज। उसके बाद हमारा है रोम, ये भी एक मेमोरी यूनिट है। रोम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर के बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जैसे कि कंप्यूटर कितने कैपेसिटी का है, किस वर्जन का है, किस जनरेशन का है, ये सारे चीज के अंदर में स्टोर होते हैं, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में अटैच रहता है नॉर्मली, मदरबोर्ड पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। हाँ, रैम को भी मदर बोर्ड में ही हम उसके स्लॉट में लगाते हैं, तो रैम रोम सब मदरबोर्ड का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आप सब में बोले जा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन ये सबसे ज्यादा है। इट मीन्स कोई भी डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका रिजल्ट जब तैयार करते हैं तो स्टोर करते हैं, जो कंप्यूटर का मोस्ट प्रेफर्ड फीचर्स में से एक आता है, जिसको हम बाद में देख सकते हैं डेटा को। तो वो कहाँ रहेगा डाटा हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। नीचे आप जितने भी इमेज देख रहे हैं, या फ्लॉपी हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, या डिस्क हो, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। बाय कैपेसिटी एंड यूज अलग अलग ये नाम दिए गए हैं और अलग अलग इसके शेप भी हैं। नॉर्मली हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर के अंदर में फिक्स होता है, और फ्लॉपी, पेन ड्राइव और जो डिस्क है आपका CD या DVD जिसको बोलते हैं, आप उसको निकाल सकते हैं, उसको प्लग एंड प्ले भी कहा जाता है। ले लीजिए डाटा, फिर दूसरे कंप्यूटर में फीड कर दीजिए। हार्ड डिस्क भी आ गया है जिसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है, लेकिन ये हार्ड डिस्क जो है वो इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो आपका इमेज स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये कंप्यूटर के अंदर में फीड होते हैं, ये CPU के अंदर में फिक्स होते हैं, या लैपटॉप हो आपका। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, वो डाटा जो हमारा रिजल्ट बन के तैयार हो जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी से हम लेके कहाँ डाल देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में, जो कि हमारा फर्दर उसको यूज करने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा काफ़ी यूज भी हम करेंगे, हमेशा हम इसी से इंटरेक्ट करेंगे, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। हार्ड डिस्क एक लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस माना जाता है कंप्यूटर का, जैसे कि आप पिछले स्क्रीन में देखें, ये पेन ड्राइव है, ये DVD है। तो DVD कितने का आता है, अगर CD का बात करें तो 700 MB का आता है, DVD का बात करें तो 4.3 GB का आता है। याद हो आपको जब मूवी देखते होंगे, अगर CD लाते थे तो उसमें एक मूवी होता था और दो CD के लिए एक मूवी को लेना पड़ता था, लेकिन जब हम DVD लेते थे तो एक ही DVD में 4 मूवीज हुआ करते थे। इट मीन्स साइज के हिसाब से मूवीज स्टोर होते थे। अगर पेन ड्राइव का बात करें तो 4GB, 8GB, 32GB, 64GB, 128GB मैक्सिमम यही पेन ड्राइव अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। GB मतलब GB। हार्ड डिस्क का बात करें तो ये 500GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB में अवेलेबल होते हैं, और ये फ्लॉपी अब यूज नहीं होते हैं, काफ़ी पहले यूज हुआ करते थे और काफ़ी कम स्पेस में होता था, जिसके कारण और काफ़ी ये रिलायबल भी नहीं था, अगर गिर जाए ऊपर से नीचे तो समझिए खराब हो जाए, तो इसके वजह से इसका यूज़ धीरे धीरे ख़त्म होगा और कॉस्टली भी हो रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो सब मिला के हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो काफ़ी मोस्ट यूजेबल है और काफ़ी इसमें डेटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर में फिक्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हार्ड डिस्क जो होता है वो
500 GB का होता है, 1 TB का होता है, 2 TB का होता है. मतलब अगर हम नॉर्मली डाटा को स्टोर करें, अगर कोई डॉक्यूमेंट वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट का कोई फाइल स्टोर करे, तो लाखों फाइल उसके अंदर में स्टोर हो सकते हैं. तो जब इतना ज़्यादा डाटा स्टोर होगा तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा. अगर कोई डाटा हम उसमें डाल देते हैं, कोई फाइल डाल देते हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लाखों फाइल पड़ा हुआ है. तो इट्स टफ टू फाइंड आउट. इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. जैसे कि मान लें मैं आपको एक होटल में बुलाता हूँ कि आप वहाँ पे आके आप हमसे मिले, मेरा नाम पंकज है, मैं होटल ताज प्लेस में आपको मिल जाऊँगा, या होटल सागर में मिल जाऊँगा, बहुत सारे कोई भी होटल का आप नाम ले लें, आई एम नॉट ब्रांडिंग एनीवन. तो डेफिनेटली आप हमसे पूछेंगे कि उस होटल में कितने नंबर रूम में, या आप किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर बेड या कितने नंबर रूम में आप उनसे मिलने जा रहे हैं. इट मीन्स जब साइज बहुत बड़ा होगा तो मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन की जरूरत पड़ेगी. मैं बोल दूँ ठीक है मैं होटल में मिला हूँ, तो फिर पूछेंगे आप कौन से फ्लोर पे, उस फ्लोर पे कौन से रूम में, तो ये लोकेशन वाइज मुझे पता होना चाहिए. लेकिन जब मैं बोलूँ आपको कि मेरे घर पे आना है, वो अंबानी वाला घर नहीं जो मल्टी फ्लोर का है, एक सिंपल घर, या मैं आपके घर पे आता हूँ, तो मैं थोड़े पूछूंगा आपसे कि कितने नंबर रूम में आप अवेलेबल होंगे. तो घर हमारा छोटा होगा तो डायरेक्टली हम आपसे मिल सकते हैं. लेकिन घर मेरा अगर मैं किसी होटल में हूँ या 10 फ्लोर का है तब तो पूछना पड़ेगा. ठीक वही सिचुएशन हमारा हार्ड डिस्क का है. हार्ड डिस्क इतना बड़ा है कि इतना बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी है कि इसमें अगर कोई डेटा हम डाल दें तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा. इसको एक और नए एग्जांपल से समझते हैं. जब हम हार्ड डिस्क का बात करते हैं, कंप्यूटर को माई कंप्यूटर में जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इसी ढंग का आपको मिलेंगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव. मतलब डाटा हार्ड डिस्क को हम अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जब कभी डाटा की जरूरत पड़े तो उतना ही पार्ट में हमें ढूंढना पड़े. अब इस ड्राइव के बारे में ठीक से समझते हैं. अब इसे देखें.